हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। और पिछली क्लासेज में आप पढ़ चुके हो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कि किस तरीके से आइंस्टीन ने अपना प्रकाश विद्युत समीकरण दिया था और उस समीकरण की सहायता से किस तरीके से उन्होंने प्रकाश विद्युत नियमों की व्याख्या की थी। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आप लोगों को एकदम बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल्स नंबर 13.1। बच्चों आप टीचिंग एक्सपर्ट पर क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स पढ़ रहे हो, है ना, और अगर आप इससे थोड़ा और हाई लेवल की फिजिक्स जानना चाहते हो आईआईटी नीट एनडीए वगैरह कंपटीशन एग्जाम की, तो आपको एक हमारा यूट्यूब चैनल है, मैंने आपको बता रखा है बलराम शर्मा फिजिक्स। आपको यूट्यूब पर जाकर क्या सर्च करना है, बलराम शर्मा फिजिक्स, ठीक है ना, और उसे सब्सक्राइब करें। रेगुलर सुबह 7 बजे उस पर वीडियो जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 13.1 की अगर हम बात करें, पढ़ना ध्यान से। तरंग दे दे रहे 4000 एंगस्ट्रॉम आपको दे रखी है, लेमड़ा का मान आपको दे रखा है बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉम। फोटोन के लिए ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, नंबर एक आपको बच्चों आवृत्ति चाहिए, और आप आवृत्ति का प्रतीक न्यू मानते हो इस चैप्टर में। नंबर बी में आपको ऊर्जा चाहिए बच्चों, एनर्जी, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चों। और सी नंबर आपको चाहिए संवेग, नंबर 3 में बच्चों आपको क्या चाहिए, संवेग चाहिए। देखिएगा ध्यान से भाई, अगर हम आवृत्ति की बात करें, न्यू की बात करें बच्चों, तो आवृत्ति का सूत्र क्या होगा, न्यू बराबर आप जानते हो सी अपॉन लैम्ब्डा होता है। यह सूत्र आपको सभी को ढंग से याद हो जाना चाहिए। आवृत्ति का सूत्र न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्ब्डा। सूत्र बच्चों आपको याद होने चाहिए। सी यहां प्रकाश की चाल को रिप्रेजेंट कर रहा है और लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसा कि आप जानते हो प्रकाश की चाल होती है 3×10^8 और तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो आप बच्चों 4×10^8 एंगस्ट्रॉन्ग को आप हटाओगे तो 10^-10 आएगा। और बच्चों 3×0=4000 की कंसीडर कर ली अगर हमने, तो हमारे पास बचेगा 10^-7। क्लियर? बात करें 3/4, 3/4 होता है बच्चों 0.75, 3/4 एक तरीके से × 10^7। ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और 7 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 15। और वैज्ञानिक विधि कहती है कि एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 7.5, तो यहाँ 1 घात कम करके 14 हर्ट्ज, मतलब जो आवृत्ति होगी बच्चों वो कितनी होगी, 7.5×10^14 हर्ट्ज। क्लियर है बच्चों? ये हुई बात आवृत्ति की। नंबर दूसरी बात करें हम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये तो ए पोर्शन हो गया। अगर मैं बी पोर्शन की बात करता हूँ, तो एक एनर्जी का सूत्र है E=hc/λ, याद करो बच्चों, इसी से तो हमने कार्य फलन बनाया था भाई। सिंपल तरंग दे रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी को, और कोई विशेष तरंग दे रहे होती तो वो रिप्रेजेंट करता किसको, वर्क फंक्शन कार्य फलन को। और बच्चों hc का मान मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है, आप तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, मैंने कहा था याद करने में फायदा है बच्चों। वैसे आप एच का बहुत बड़ा प्लैंक कांस्टेंट का अपना एक बहुत बड़ी वैल्यू है वो जमाओगे, सी प्रकाश की चाल बहुत बड़ी होती है, लैम्ब्डा, इन सब मानों को जमाओगे, इससे अच्छा है कि आप hc का मान क्या जमा दें, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। पर बच्चों याद रहे अब लैम्ब्डा नैनोमीटर में ही होना चाहिए, ताकि नैनोमीटर को आप कैंसिल कर पाओ। हमारे पास है क्या है, लैम्ब्डा 4000 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग को नैनो में कन्वर्ट कैसे करें, विचार करें हल्का सा बच्चों। एंगस्ट्रॉन्ग को हटाओगे तो -10 आएगा, 10^-10,
एक कम करूँ, अगर एक जीरो यहाँ से कम कर दो, एक यहाँ से भी कम करना होगा, क्या आप इसको 400 नैनोमीटर भी लिख सकते हो क्या? देखना, बात वही निकल करके आने वाली है। तो आप यहाँ जमाइए बच्चों, 400 क्या नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा। देखो डायरेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिएगा बच्चों, दो जीरो हटा के दो पॉइंट लगा दूंगा, 12.42, और 12.42 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 3.1 फिर बहुत है इतना ही, खैर और ये अपन आगे तक डिवाइड कर सकते थे। ये सूत्र सबसे शानदार है, बहुत गजब की ट्रिक के साथ है ना। तो आप जब भी, आपको ये वर्क फंक्शन में भी काम देता है, एनर्जी दे लैम्बडा पूछे, पर याद रखना एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखनी पड़ेगी। लैम्बडा दे के एनर्जी पूछ ले तो भी याद रखना आपको लैम्बडा नैनोमीटर में रखना होगा, केवल इतनी सी कंडीशन है इस फॉर्मूले की। समझ में आया बच्चों? तो आवृत्ति कितनी आई, 7.5 × 10⁴ हर्ट्ज, और एनर्जी कितनी आई, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा क्या पूछ रहा है आपसे, संवेग। तो बच्चों एक संवेग का भी सूत्र है, P बराबर होता है H अपॉन लैम्बडा। एक तो P बराबर MV होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। पर बच्चों जैसा कि आपको पृष्ठ में दिख रहा है, ना तो कहीं द्रव्यमान दिखेगा और ना ही कहीं वेग दिखेगा। तो जब लैम्बडा वगैरह का जिक्र हो तो याद रखना संवेग का सूत्र क्या होता है, P बराबर H अपॉन लैम्बडा। अब आपको है ना, अब की बार तो सॉल्व करना पड़ेगा इसका, तो बच्चों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। एच की वैल्यू क्या जमानी पड़ेगी बताओ, प्लांक कांस्टेंट 6.63 × 10⁴ - 34, ठीक है बच्चों। और लैम्बडा मीटर में ही जमाना होगा, क्योंकि ये हमने एमकेएस पद्धति में जमाया है, तो लैम्बडा भी एमकेएस में ही जमाइए, और एमकेएस में बन जाएगा 4 × 10⁻¹। अब अगर 4 से डिवाइड कर दूँ ना तो 4 × 4 = 5, 6 × 2 = 26, कितनी बार, 26 में 4 का भाग, 6 × 24 = 2, 23 लगभग 6 मान लो, और 10⁻¹ ऊपर जाएंगे बच्चों, प्लस के 7 हो जाएंगे, तो प्लस का 7 और माइनस का 34, ये बचेगा माइनस का 27 संवेग। अब इसका आप द्रव्यमान गुणा वेग के हिसाब से, वैसे कोई स्टैंडर्ड मात्रक तो है नहीं है ना, आप न्यूटन इंटू सेकेंड काम ले सकते हो बिल्कुल। देखो जूल इंटू सेकेंड इसका मात्रक है, और जूल बटे मीटर को अपन न्यूटन लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड। एक आंसर तो ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया बच्चों, और तीसरा आंसर ये आ गया। प्लांक नियतांक एच का मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड, याद रखिएगा, और जूल को जब मीटर से डिवाइड करेंगे तो न्यूटन बचेगा, तो इसका मात्रक बन जाएगा बच्चों न्यूटन इंटू सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियरली, बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों एग्जांपल नंबर 13.2 की, 13.2 की पढ़िए, 13.2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़े बच्चों आप मेरे साथ में, कि 100 वाट पर प्रचलित प्रकाश का एक वर्णी स्रोत, आपको पावर 100 वोल्ट दे रखा है बच्चों, सोर्स की जो पावर है वो आपको 100 वोल्ट दे रखा है। आगे पढ़िए, एक वर्णी स्रोत 4 × 10⁻²⁰ फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है, 4 × 10⁻²⁰ फोटोन प्रति सेकंड का सिंबल रहेगा बच्चों स्मॉल एन, जो है 4 × 10⁻²⁰, चाहो तो मात्रक लिख दो या मत लिखो, फोटोन प्रति सेकंड। सुनिएगा ध्यान से, आपको सोर्स की पावर दे रखी है कितनी, 100 वॉट, आपको प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन भी आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, पूछिए देख क्या पूछना चाह रहा है हमसे ये। प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, आवृत्ति पूछ रहा है क्या, प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, न्यू आपको ज्ञात करना। अब पहले तो हम इसका सूत्र बनाते हैं बच्चों, देखिए पावर वगैरह से एनर्जी मिल सकती है,
एक सूत्र आता है पी बराबर एन ई, कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। सुनो, पहले न्यू की बात करें बच्चों, आपने ई का सूत्र पढ़ा है ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। तो यहां से अगर मैं न्यू निकालना चाहूं तो न्यू का सूत्र बन जाएगा बच्चों ई अपॉन एच, ठीक है। और एक सूत्र होता है, कैसे बना मैं बताऊं, पावर का सूत्र आप क्या जानते हो, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी जानते हो बच्चों, कार्य ही तो ऊर्जा है, W अपॉन टी की जगह आप चाहो तो इसको E अपॉन टी जमा दो। और समय का उल्टा आवृत्ति, मतलब जो काम प्रति सेकंड हो रहा हो, तो सूत्र है P बराबर एन ई। ज़्यादा लंबा नहीं चलना अपने को बच्चों, आप केवल इतना से याद रखिए क्या सूत्र होता है एक P बराबर एन ई। और यहाँ से आप इसमें से अगर E निकालना चाहो तो E आएगा बच्चों P अपॉन एन, P बराबर एन ई होता है ना, तो E कितना आएगा P अपॉन एन। और P अपॉन एन अगर मैं E की जगह जमा दूं बच्चों तो जो न्यू का सूत्र बनेगा वो बनेगा P अपॉन एन एच। ध्यान से देखना भाई, सब सूत्र ही इंपॉर्टेंट है, सूत्र आपको समझ में आ जाएगा तो फिर इसमें कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। आपको पावर कितना दिया है 100 वॉट, प्रति सेकंड फोटोन कितने दिए हैं 4×10^20, आवृत्ति पता नहीं है वही तो पता लगानी है। E का सूत्र है E इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू का सूत्र कितना आएगा बच्चों E अपॉन एच। न्यू की अगर हम थोड़ा सा आगे जाके देखें P इज इक्वल टू एन ई होता है, तो E कितना आ गया P अपॉन एन, तो सूत्र बन गया न्यू का P अपॉन एन एच। सारे आंकड़े पुट कर दो इसमें, पावर कितना है 100, एन फोटोनों की संख्या 4×10^20 और एच, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर आपकी टफ हो जाएगी ना जब आप इसको सॉल्व करोगे। मैं लिख दे रहा हूं भाई, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। कितनी आवृत्ति आई, सॉरी आवृत्ति नहीं पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ने में एक मिस्टेक हो गई भाई ना, सुनना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लैम्डा पूछ रहा है लैम्डा, तो अगर आवृत्ति पूछता तो हम ई बराबर एच न्यू लगाते, अब लैम्डा पूछ रहा है तो आपको ई बराबर लगाना है एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहां से अगर आपको लैम्डा निकालना हो बच्चों तो लैम्डा कितना आ जाएगा एच सी अपॉन ई। और सूत्र पी का आपने क्या पढ़ा है, पी इज इक्वल टू एन ई, तो यहां से E कितना आएगा बच्चों P अपॉन N, और P अपॉन N जमाना है इसमें तो लैम्डा का सूत्र आएगा एच सी अपॉन P अपॉन N ऊपर आ जाएगा। तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र बना है क्या बना है, एच सी N अपॉन P। अब आंकड़े जमाओ बच्चों इसमें लैम्डा में, एच 6.63×-34, सी 3×10^8, एन 4×10^20 अपॉन पी, पी कितना है 100। अब आप इसको सॉल्व करना पूरा ढंग से, और इसका जो आंसर बुक में दिया हुआ है 8000 एंगस्ट्रॉन्ग, 10^10 कुछ -10 आएगा जिसको आप एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज कर दोगे ना, तो तरंग दैर्ध्य कितनी आएगी बच्चों 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सबको समझ में आ जाना चाहिए भाई, नोट करो चलो सब। नोट कर लो बच्चों इसको, चलो पूरा ढंग से। एग्जाम्पल नंबर 13.3 मैं आपको करवा चुका हूँ पहले से, पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक है ना। बात करेंगे बच्चों 13.4 के बारे में, ये तो आपने लिख लिया होगा है ना, इसको यूज कर देते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 13.4 पढ़िएगा भाई। प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में 200 नैनोमीटर का प्रकाश, प्रकाश की वेवलेंथ आपको कितनी दी हुई है 200 नैनोमीटर, जो आपको लैम्डा की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है 200 नैनोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस देख लेंगे, हो सकता है कि हमें लैम्डा नैनो में ही पुट करना पड़ जाए, अगर मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो नैनो को हटाकर -9 लगा देंगे, ठीक है ना। 200 नैनोमीटर का प्रकाश लिथियम धातु और इसका कार्यफलन आपको दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्यफलन आपको दिया हुआ है बच्चों 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तरंग दैर्ध्य है 200 नैनोमीटर, कार्यफलन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन प्रकाशक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है और दूसरा है निरोधी विभव निकालना है। सुनना ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन में तो अधिकतम गतिज ऊर्जा को मैं के मैक्स लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, और सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपको निरोधी विभव चाहिए। दो क्वेश्चन है, सुनना, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आप मूर्खों की तरह सवाल करोगे तो आपसे बच्चों कल तक भी नहीं होगा, मेरी गारंटी है ना। इंटेलिजेंट तरीका अपनाओगे, चार लाइन का क्वेश्चन है बच्चों, विचार कैसे करते हैं मेन जो फर्क है वो तो सोच का है, क्वेश्चन का अगर एक बार प्रारूप हमें पता लग जाए फिर क्वेश्चन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों ध्यान से देखिए, कार्य फलन आपको प्रश्न में दे रखा है और बात करवा रहा है गतिज ऊर्जा की, बात करवा रहा है गतिज ऊर्जा की, और एक आपको प्रश्न में लैम्डा दे रखा है। मैं पहले प्रश्न की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, जैसे ही कार्य फलन और गतिज ऊर्जा जैसे शब्दों को वो मिला है ना, आपको आइंस्टीन साहब की याद आनी चाहिए, याद आने से मतलब है उनका जो स्टेटमेंट है वो याद आना चाहिए। और आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था भाई, कार्य फलन और गतिज ऊर्जा इनको मिक्स कौन कर सकता है, आइंस्टीन छोटा मोटा वैज्ञानिक तो कर ही नहीं सकता। तो सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों, फर्स्ट का आइंस्टीन ने कहा था साहब, ई बराबर होता है फाई नॉट प्लस के मैक्स, समझना बच्चों, आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था कि ई बराबर होता है फाई नॉट प्लस के मैक्स, के मैक्स आपको चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या आप इस समीकरण को के एक्स बराबर, अच्छा ई की जगह लैम्डा तो दिया हुआ है लैम्डा, लैम्डा से ई की जगह क्या मैं एच सी अपॉन लैम्डा जमा दूं और कार्य फलन डायरेक्ट है, आंसर आ जाएगा आराम से। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, जब उसने कार्य फलन गतिज ऊर्जा इन सब चीज़ों को काम में लिया तो आपको आइंस्टीन जी की याद आनी चाहिए, आइंस्टीन का समीकरण याद आना चाहिए, और आइंस्टीन का समीकरण कहता है E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स। बच्चों आपको के मैक्स निकालना है तो के मैक्स क्या आएगा बच्चों, ई माइनस फाई नॉट, ई माइनस फाई नॉट, और ई कितना आएगा लैम्डा दिया हुआ है तो एस अपॉन लैम्डा, बस के मैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए बच्चों, तो प्रयास करना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना किसे नहीं आता। एस सी अपॉन लैम्डा का मान याद करो बच्चों, एस सी का मान चाहो तो अलग कर सकते हो या साथ में कर लो, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, लैम्डा कितना है 200 नैनोमीटर, डायरेक्ट जमा दो, कुछ नहीं सोचना बच्चों आपको, नैनो ने नैनो को मारा और कार्य फलन आ गया बच्चों 2.5। बात करें अगर हम के मैक्स की, 20 दो पॉइंटों खा जाएंगी और 2 से भाग देंगे तो 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बच्चों 2.50 मान लो, जब आप इसमें से माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 3, तो उसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है कितनी आ जाएगी बच्चों 3.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ बात समझ में आई बच्चों, इस तरीके से करोगे तो आपको है ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, मेरी गारंटी है, कुछ ही तो नहीं किया आपने यार,
भाई कार्य फलन, बिल्कुल हलते डुलते क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं करना, बिल्कुल बहुत शॉर्ट रह गए। जब भी कार्य फलन और के मैक्स की बात करें, आइंस्टीन को दिमाग में ले आना बच्चों, बेग की बात करता है ऐसा कुछ बात करे, आइंस्टीन लगाया सिंपल, के मैक्स के बारे में पूछा, ई एस ए पॉन लैम्बडा, बस इलेक्ट्रॉन बोल्ट में निकालना है। वो ट्रिक मेरी बहन जो बताई आपको, आप याद रखेंगे। कहानी बताओ, यहाँ तक समझ में आई क्या नहीं आई? अब दूसरा क्वेश्चन तो आप यकीन नहीं मानोगे बच्चों, बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे ईजी है? एक फॉर्मूला है इसका, सुनना। गतिज ऊर्जा का निरोधी विभव को लिंक करने वाला एक सूत्र है बच्चों, आप जानते हो सभी। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन अगर हम मान लो क्यू आवेश पर वी वोल्टेज लगा दें तो ऊर्जा होती है क्यू वी। यहां आवेश इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह ई, और विभव कितना आ जाएगा? वी नॉट। ये सूत्र आप सबको आना चाहिए, रट लेना। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर का एक सूत्र और भी होता है बच्चों, क्या? ई वी नॉट। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आई बच्चों? 3.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई वी नॉट। क्या ई से ई कैंसिल हो गया तो निरोधी विभव कितना बच गया साहब? 3.71। और इस वी का मतलब है वोल्ट, खत्म खेल। तो ये क्या किया? ये तो कुछ भी नहीं है बच्चों। एक चीज याद कर लो आप चाहो तो, कि एनर्जी का जितना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, एनर्जी का मैग्नीट्यूड जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, वोल्टेज की वैल्यू उतनी ही रहेगी पर वोल्ट में, सिर्फ यूनिट चेंज होगी, मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ई वी नॉट। मैंने सारे मान जमा के देखे, जो कैंसिल हुआ उसे काट दिया, और जो निरोधी विभव है वो निकल के आएगा 3.7 वोल्ट। दैट्स क्लियर एकदम? बिल्कुल एकदम लिख लो ढंग से, चलो बोर्ड से लिख लें भाई जल्दी से। ये था आपका एग्जांपल नंबर 13.4। नेक्स्ट बात करें बच्चों 13.5 की, देखना ध्यान से 13.5 देखिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 13.5, देखिएगा क्या बोल रहा है बच्चों। कि किसी धातु के सतह पर पहले 2000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश, फिर 6000 का, मतलब पहले प्रकाश 2000 एंगस्ट्रॉम का था, फिर प्रकाश कितने का है बच्चों? 2000 नहीं है, करेक्शन है, 3000 का है। पहले 3000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश है, जो लैम्बडा वन आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 3000 एंगस्ट्रॉम, और जो लैम्बडा टू आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, आगे पढ़िए। डाला गया, यह प्रेक्षित किया गया कि इन प्रदीपनों के अंतर्गत उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चालों का अनुपात 3:1 है। मतलब जो लैम्बडा वन प्रकाश डाला गया तो इलेक्ट्रॉन का वेग V1 था, लैम्बडा टू डाला गया तो वेग कितना था? V2। और इन चालों का जो अनुपात आपको दिया है 3:1 दिया है। क्या दिया है? 3:1। धातु का कार्य फलन ज्ञात करो, वर्क फंक्शन आपको निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड आउट। अब बच्चों दिमाग लगाना तो ध्यान से देखो, दो बार समीकरण लगेगा क्योंकि लैम्बडा वन है तो वेग भी वन है, कार्य फलन तो फाइंड आउट ही रहेगा। लैम्बडा है मतलब ऊर्जा है, वेग है मतलब गतिज ऊर्जा है, और कार्य फलन तो है ही। तो हम चर्चा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आइंस्टीन से। और आइंस्टीन कहेगा E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स। जब इसमें वैल्यू जमाऊंगा बच्चों तो एनर्जी की जगह जमा सकता हूँ मैं एच सी अपॉन लैम्बडा, फाई नॉट को फाई नॉट रहने दो, और गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वैल्यू जमाएं, जब इसको पहली बार लगाया तो ये बन जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा वन, वैल्यू एक साथ पुट करेंगे, फाई नॉट में कोई बदलाव नहीं आएगा, ऊर्जा जो है वो तो वही रहेगी कार्य फलन तो। और ये बच्चों हाफ एम वी वन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन। और दूसरा देखना बच्चों, एच सी अपॉन लैम्बडा टू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अच्छा थोड़ा दिमाग लगाएं बच्चों, बी वन को आप मान लो तीन गुना मान लो, तीन बी मान लो, इसको मान लो आप सिंगल वी, तीन अनुपात एक है ना, तो बी वन की जगह पे आप चाहो ना थोड़ा सा यहीं से क्रसन कर दो बच्चों, देखो तीन अनुपात एक में बेग मानने हैं ना, तो उसको मान लो थ्री बी और इसको मान लो बी वन को मान लो थ्री बी और बी टू को मान लो बी, तो देखो हाफ एम थ्री बी का स्क्वायर कितना आएगा, नौ, नौ को आगे ले लो नौ वी स्क्वायर, समीकरण नंबर एक इसको दो, और यहाँ सिंपल बी ही मानना है तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों लेमडा वन है लेमडा टू है, फाइव नॉट निकालना है, ये ना कट जाए, इसे कैंसिल करो, इसे कैसे कैंसिल करोगे, दिमाग लगाना, गुणांक बराबर करो, एम बी स्क्वायर का या नौ बटे दो या एक बटे दो है, तो समीकरण नंबर दो को गुणा करो, देखना ध्यान से, समीकरण नंबर दो को गुणा करो नौ से और उसमें समीकरण नंबर एक माइनस करो बच्चों, आप नौ से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा नौ एच सी अपॉन लेमडा टू, एक घटाऊंगा इसमें से तो एच सी अपॉन लेमडा वन, यहाँ नौ से गुणा करूंगा नौ फाइव नॉट, ये घटाऊंगा फाइव नॉट तो आठ फाइव नॉट बचेगा बच्चों, यहाँ गुणा करूंगा नौ बटे दो एम बी स्क्वायर और ये घटाऊंगा तो ये कट जाएगा। अब आप फाइव नॉट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, कुछ है ही नहीं है इसमें तो यार, कैसे निकालेंगे, कार्यफलन निकालना है। अच्छा इलेक्ट्रॉन बोल्ट में ही निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉन बोल्ट में तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, नौ गुणा बारह बयालीस इलेक्ट्रॉन बोल्ट नैनोमीटर बटे लैम्डा टू 6000 एंगस्ट्रॉन्ग है तो क्यों ना 600 नैनोमीटर जमा दो, फिर यह एस सी का मान 1242 इलेक्ट्रॉन बोल्ट नैनोमीटर और लैम्डा टू कितना है बच्चों 6000 तो 600 नैनोमीटर जमा दीजिए और यह है 850 नैनोमीटर से नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर, ये बन जाएगा 9 गुणा 2.6 का भाग दूंगा तो 6 दुनी 12 पॉइंट 40 सचिंग 42 माइनस 2 पॉइंट लगी जाएंगे और 1242 में कुछ मिस्टेक हो गई ना बच्चों, बिल्कुल ये लेमड़ा वन था, लेमड़ा वन यहाँ 3 आएगा, दो अंक के बाद 3 से भाग दूंगा 3 चौके 12.34 ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है, जो भी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, यहाँ 8 फाइव नोट बचा हुआ है, 9 से गुना करूँगा तो 9 दुनी 18 है 9 7 63 माइनस 4.14 माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा 9 4 ठीक है और ये 14 पॉइंट और जैसे यहां से फाइव नॉट निकालेंगे 8 से डिवाइड करना होगा 8 एकम 8 9 10 कितने बचेंगे 6 64 लगभग लगभग सिंपल कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, आप बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो एक बार वापस देख लीजिए आप, करना क्या था हमें बच्चों, आपको तरंग दैर्ध्य दे रखे थे, वेगों के अनुपात दे रखे थे, कार्यफलन आपको निकालना था ठीक है ना, तो आप जल्दी से एक बार से यहां तक नोट कर, जल्दी करिए चलो, ठीक है बच्चों आज आपने देखे हम चैप्टर नंबर 13 के कुछ एग्जांपल किए,
एग्जाम्पल नंबर 13.5 तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन फिर कल मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।